आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पहले दिन की शुरुआत कुछ मीठा खा के करो। तो मैंने सोचा कि तुम वो देखो क्या चॉकलेट चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। सही, तुम्हारे हाथ वाकई बहुत नाजुक हैं। शायद इसीलिए मिर्च पीसने में तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। इतनी तकलीफ झेलने के लिए मेरे परिवार की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो सॉरी बोलने के लिए भी सॉरी बोलूं? ऑल द बेस्ट। सही, थैंक यू। बालिके, तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन अच्छा जाए। थैंक यू, बाय बाय। बाय। मैं जानता हूँ सही कि तुम मेरे घर में नहीं रहना चाहती, पर न जाने क्यों तुम्हारा ये जो सपना है उसे पूरा करने के सफर में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। हमारा सौभाग्य है जो आप ब्राह्मणों को भोजन कराने का अवसर मिला। आपका आशीर्वाद और कृपा रहेगी तो ऐसे और अवसर आते रहेंगे। कल्याण। धन्यवाद। मी काय म्हणते? काय? अरे खाना तो स्वादिष्ट टेस्टी जायकेदार होगा ही ना, मसाले जो इतने चटपटे थे। करिश्मा, बहुत हंसी आ रही है, तुझसे भी मसाले पिसवाऊं? अब वैसे काकू, आज सही भाभी को तकलीफ तो बहुत हुई है। और जो रोज घर में लोगों को तकलीफ देता हो, अगर आज उसे थोड़ी सी तकलीफ हो गई हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है करिश्मा? बड़ी बात तो आज आपने करके दिखाई पत्रलेखा भाभी, वरना वो सही भाभी वो तो काकू के कहने पर भी नहीं रुक रही थी। इसे शान से अपना बैग उठाकर कॉलेज जा रही थी, लेकिन आपने आपने बस एक पिन मारी और पूरी बाजी पलट गई। वो क्या कहा था आपने? हाँ सही, तुम एक बहुत ही खुदगर्ज लड़की हो, बस इतनी बोलने की देरी थी। तो मैंने इसमें कोई झूठ थोड़ी ना बोला है करिश्मा। सही एक खुदगर्ज लड़की है तो है, आज तक तुमने उसे घर वालों के बारे में सोचते हुए देखा है? वो सिर्फ अपने बारे में और अपने फायदे के बारे में सोचती है और कुछ नहीं। करिश्मा झालं तुझं? चल आठवायला घे, चल जल्दी जल्दी मारो। मस्त मस्त, अगदी बरोबर बोललीस पत्रलेखा। जैसे तुमने उसे खुदगर्ज बोला, मैंने भी मौके पे चौका लगाकर उसे एहसान फरामोश बोल दिया। बस लग गई उसको बात दिल पर, बैग बैग पटक कर काम में लग गई। हमेशा जिम्मेदारियों से भागती रहती है। एक बात बोलू पत्रलेखा, तुम ही हो जो इस सई नाम की बिल्ली के गले में घंटी बांध सकती हो। एक्चुअली तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे डेट पे बुलाया था, लेकिन तुम्हारे कॉलेज के कैंटीन की कॉफी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई तो मैं यहाँ आ गई। अरे बुद्धू, मजाक कर रही हो, स्पेशली तेरे से मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं किस टाइम छुट्टी होती है? ऑफ कोर्स आई भूल गई, अभी सुबह तो हम दोनों की बात हुई थी, कितने बजे कॉलेज से निकलूंगी, कितने बजे कौन सी बस लूंगी, सब बात तो हुई थी ना। हाँ बुआ जी सॉरी, मेरे दिमाग में इतना कुछ चलता रहता है ना कि मैं भूली गई, लेकिन अब मुझसे मिलने क्यों आए हो? वो मैंने सोचा देखू जरा
जवान खानदान की मसाला पीसने वाली बहू के क्या हाल है? अरे अरे अरे, वो क्यों लटका रखा है? मैं यहाँ तुझे परेशान करने नहीं आई हूँ। वो तो अश्विनी वहिनी ने मुझे बताया घर वालों ने सुबह तुझे बहुत परेशान किया, क्या हालत कर दी है तेरी। इतना सारा, तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल। कहाँ? पास में एक बहुत मस्त कैफे है, वहाँ मस्त कॉफी पियेंगे। आजा मेरे साथ चल। ठीक है बुआ जी। सही, ये बुआ बोलना कब बंद करेगी? सिर्फ शिवानी बोलना। सॉरी बुआ जी। फिर बुआ। लेट्स गो। अरे हाँ बुआ जी, बताइए ना, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? तेरे को बहुत जलन हो रहा है ना, तेरे लिए कुछ लेके आई हूँ। ये ले। ये क्या है? ये है कोल्ड ग्लास, यानी कि ठंडे दस्ताने। इनको पहनने से तेरे हाथों की जलन भी खत्म हो जाएगी और चोट भी ढकी रहेगी। थैंक यू सो मच बुआ जी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं? सोचूंगी कैसे नहीं, घर की सारी नई बहुओं में सिर्फ एक तेरे से ही तो कनेक्शन है मेरा, वरना बाकी बहुएं तो अरे बाबा, पहले आई वो हेरा फेरी क्वीन नादू सुट्टो करिश्मा, फिर आई हाई स्टैंडर्ड हाई क्लास शानुकुली खानदान की पत्र लेखा, फिर आई तू मुफट सही। लेकिन पता है तू जितनी भी मुफट हो, मैं इतना जानती हूँ कि तू दिल की बहुत साफ है। काश आपके भाइयों और भाभियों को भी ऐसा लगता, लेकिन उन लोगों को तो पाखी दीदी की तारीफ करने से फुर्सत ही नहीं है। अरे वही तो, पता नहीं उनको पत्र लेखा में ऐसा क्या दिखता है। भाई माना कि वो वीरू की दोस्त है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो वीरू पे अपना इतना ज्यादा हक जमाए। और एक तो तुझे क्या पड़ी थी उसको मना के घर लेके आने की, रहने देती ना थोड़े दिन अपने आई बाबा के घर पे। मैंने वो सिर्फ पाखी दीदी के लिए नहीं किया था, मैंने विराज सर के लिए किया था। मैं तो बाकी दीदी के घर इसलिए गई थी ताकि उन्हें बता सकूं कि उनके बिना विराट सर की क्या हालत है। तू ना रहने दे, और पत्रलेखा की वजह से जो तेरी हालत हुई है उसका क्या? सही? सही किधर? कुछ नहीं बुआ जी, मेरा सारा ध्यान तो मेरी पढ़ाई में है। हाँ मुझे थोड़ी तकलीफ थोड़ा दर्द होता है, लेकिन ये तो कुछ सालों की बात है ना, मुझे कौन सा इस घर में हमेशा रहना है। बार बार ऐसी बात मत किया कर से। शादी से पहला तेरा और विराट का कोई भी रिश्ता था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब तुम दोनों पति पत्नी हो। और सही, विराट जैसा अच्छा पति किस्मत से मिलता है, तू देखना तेरे लिए कितना करता है वो। तेरे लिए अपने घर वालों से लड़ गया और तेरे सपनों को पूरा करने के लिए तो वो क्या क्या नहीं कर रहा है। जिस परिवार में कभी पुश्तैनी बर्तन तक नहीं बदले गए, वहां पे वीरू ने सिर्फ तेरे लिए बरसों पुराने नियम कायदे कानून सब बदल के रख दिए हैं। हाँ बुआ जी, लेकिन ये सब तो वो अपनी जिम्मेदारी समझकर कर रहे हैं ना। तुझे सच में लगता है कि विराट तुझे अपनी एक जिम्मेदारी मानता है? सिर्फ एक बार से, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछ, क्या तू विराट के बिना रह पाएगी? जिम्मेदारी उठाने का मतलब शादी करना नहीं होता है विराट। मैंने सोचा था कि तेरे लिए भी एक शाहनुकोड़ी खानदान की मराठा लड़की ले आऊंगी। कितना फक्र था मुझे तुझ पे, लेकिन आज तूने अपने परिवार के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया। फर्ज फर्ज होता है बाबा, कमल सर के अलावा इस पूरी दुनिया में सही का और कोई नहीं था। आप ही बताइए कैसे अकेले छोड़ के आ जाता मुझे। ये बुढ़िया के बाल वाला थोड़ा दूर था,
इसलिए लाने में थोड़ी देर लग गई, सॉरी। हमारे इस घर के नियम बदलने होंगे क्योंकि सही का एडमिशन आज ही होगा। तुम्हें ये मिर्च पीसने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, लेट हो चुकी हो, चलो जल्दी। ये बात तो सच है, विराट सर जैसा इंसान किस्मत से ही मिलता है। एक वक्त था जब शाम को मैं दिया जलाया करती थी, लेकिन आज आज खून जलाना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ उस जंगली मुर्गी की वजह से। ऊना वही नहीं, ना किसी की सुननी ना किसी की माननी, बस जिद जिद और जिद। अरे संध्या आरती से पहले घर की सारी बहुओं को घर के अंदर होना चाहिए, ना कि यूं रस्ते पर ऐसे घूमना फिरना चाहिए। ओ अश्विनी, समय देखो। इतनी देर हो गई है लेकिन तुम्हारी बहू को घर लौटने की फुर्सत ही नहीं मिली अभी तक। पता नहीं कहां नाक कटवा रही होगी हमारी। रेनी, क्या गलती है उस बेचारी की? यही कि वो पढ़ना चाहती है, यही कि वो डॉक्टर बनके अपने बाबा का सपना पूरा करना चाहती है। अब घर की सबसे बड़ी है वहनी, ऐसे छोटे बोल बोलना आपको शोभा नहीं देता। कृपया आप आपकी एक कड़वी जबान बंद रखें, ना ही बोले तो अच्छा है। मस्त मस्त, तुम्हें मेरे बोल कड़वे लग रहे हैं ना, तो कड़वा घूट समझ के पी लो। किसी ने रोका है क्या? वही तो कर रही हूँ वहनी, क्योंकि कहते हैं ना सही समय पर किए गए हुए कड़वे घूट भी अक्सर जिंदगी मीठी बना देते हैं। और हाँ, घड़ी देख ली है मैंने, आप भी देख लीजिए। सात नहीं बजे अभी तक। मेरी बहू कहीं घूमने फिरने नहीं गई है, किसी की नाक कटवाने भी नहीं गई है, बस पढ़ने गई है। कॉलेज छुट्टी आ जाएगी, 7 बजे से पहले आ जाएगी, इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि सही की देखा देखी अब शिवानी भी घर से बाहर जाने लग गई है बिना किसी को बताए। पहले भी जाती थी घर से बाहर, पर बता कर जाती थी। बस इसी इसी बात का डर है मुझे। ये सही क्या करती है और क्या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी संगत में घर के बाकी लोग ना बिगड़ जाए। सही की संगत में जो रहेगा वो अच्छी चीजें ही सीखेगा, भलाई होगा उसका। सही किसका भला करेगी अश्विनी मामी, इस घर के सारे नियम तोड़कर? बुआ जी, घर के नियम कायदे कानून सब तोड़कर ये जंगली मुर्गी कहाँ घूम रही होगी? ये सारे इल्जाम लगेंगे मुझ पर अगर मैं समय पर घर पे नहीं पहुंची तो, इसलिए मैं तो चलती हूँ। हाँ? अच्छा एक बात बता, तेरा सिर्फ ताने खा के पेट भर जाता है क्या? मतलब? मतलब ये कि तुझे क्या लगता है तू घर जाएगी वहां सब तेरी वेट कर रहे, अरे 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 सही आ गई, हाय बेचारी कितनी थक गई होगी, अरे कोई खाने को लाओ, अरे कोई पानी पिलाओ। घर पे सवालों और तानों की बंदूक तान के खड़े हो। इसलिए कह रही हो कुछ खा ले, कम से कम घर वालों को जवाब देने की ताकत तो आ जाएगी। ठीक है, मैं पहले ये रख लेती हूँ। ए ब्यूटीफुल, हटो मेरे से, हिम्मत कैसी हुई इनको हाथ लगाने की? एक मिनट,
बात। अरे बुआ जी आप शांत हो जाइए, ऐसे लुच्चा लफंगों को हैंडल करना मुझे अच्छी तरह आता है। लुच्चा लफंगा? और हाँ है मेरी बुआ सुंदर तो। हाँ सुंदर है लेकिन व्हाट आर यू सेइंग? बुआ मत बोलिए। अरे आप बैठिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जैसा एरा गेरा नतु गेरा उनके गले पड़ेगा, समझे ना? ये क्या बोल रही है? बात तो सुनना। अरे सुनने सुनाने का वक्त गया, अब देखने दिखाने का वक्त है। अब तुझे पता चलेगा लड़की को छेड़ने का क्या नतीजा होता है। और तुम्हें क्या लगा क्या? कोई ऐसे ही नहीं है, हम आईपीएस ऑफिसर की बीवी हूँ मैं, समझा ना? सही। अभी अरे दो मिनट में अभी तुझे अंदर ही करवा दिया ना तो देख। बात सुनना। अभी पता चलेगा। सुनते पागली हो गई है, बॉयफ्रेंड है ये मेरा। अमे क्या हुआ? बॉयफ्रेंड है तू? अमे वो सुबह वाला बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? ओ बॉयफ्रेंड, डेट कर रहे हैं हम एक दूसरे को। सही अमे मैं बाद में बात करती हूँ। वो सुबह आप जिसे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी? हाँ वही। एग्जैक्टली। अमे सॉरी कंफ्यूजन हो गया था। आप लोग प्लीज कैरी ऑन। सॉरी अरे वाह बुआ जी आपको शर्माते हुए तो मैंने पहली बार देखा है। चल ना अब तू भी मेरी टांग की चाय करेगी क्या? अरे आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आई एम सॉरी मैंने ना जाने आपको क्या क्या बोल दिया। वो एक्चुअली क्या है ना, कई बार मैं सही समय पे गलत बात बोल देती हूँ। वो तो है, मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं। वैसे हाय हेलो तो हर कोई करता है पहली मीटिंग में, लेकिन अरेस्ट होने की धमकी पहली बार मिली है, ये मुलाकात यादगार जरूर रहेगी। सॉरी। फनी हो। अभी तक तो सही की कॉलेज से छुट्टी हो चुकी होगी, एक बार कॉल करके बता तो सकती है ना? चलो माना मैंने नहीं बोला था उसे फोन करने के लिए, लेकिन खुद सामने से तो कर सकती है। उसका हाथ ठीक होगा? नहीं कर लेता हूं। वीडियो कॉल कर लेता हूं, हाथ भी देख लूंगा। विराट सर। ए वीडियो कॉल? सही वीडियो कॉल मत उठाना, विराट को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों साथ में हैं। तू ना ऑडियो कॉल कर दे, काट दे काट दे। क्या हुआ सही, वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया? सब ठीक तो है? पर तुम्हारे हाथ में जो जलन थी वो कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप वीडियो कॉल क्यों कर रहे थे मुझे देखने के लिए? नहीं सही, तुम्हारा हाथ देखने के लिए। रेडनेस कम हुई है कि नहीं? क्योंकि शक्ल तो तुम्हारी वैसे भी लाल रहती है गुस्से में। चलो सही वीडियो कॉल करो मुझे। वीडियो कॉल? नहीं वीडियो कॉल नहीं कर सकती अभी। क्यों? तुम्हारे कॉलेज के कैंपस में वीडियो कॉलिंग बैन है? और वैसे भी तुम तो अपने कॉलेज से निकल चुकी होगी ना? हाँ मैं आपको कॉल करती हूँ, दिखाती हूँ, एक मिनट आप रुको ना। ये क्या है? अरे अभी तो आपने कहा था आपको हाथ देखना है, अब मेरे हाथ को ही नहीं पहचान पा रहे। ऐसे कौन वीडियो कॉल करता है? सही चलो हाथ हटाओ अपना। क्यों आप ही ने तो कहा था सिर्फ हाथ देखना है, तो लीजिए देखिए हाथ और बात भी इसी से करिए। हाय विराट सर कैसे हैं आप?
मैं बार बार भूल क्यों जाता हूँ कि तुमसे अगर बात करनी है तो एक एक शब्द मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो आप एक दो साल सोच समझ कर फिर वीडियो कॉल करिएगा। ओके अभी मुझे काम है, मुझे जाना है, बाय। सुनो तो सही, जब देखो हवाई घोड़े पर सवार रहती हूँ। हाँ तो सुन तो रही हूँ, बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि आज रात तुम और मैं साथ में खाना खाते हैं। अच्छा समझ गई समझ गई, आज आप लेट आने वाले हैं और आपका इरादा मुझे भूखा रखने का है ना? मैं तुम्हें भूखा क्यों बिठाऊंगा? ये बात भी सही है, सबके होते हुए आप भी मुझे भूखा रखेंगे। क्या बोल रही हो सही, क्या मतलब है? मतलब अब मैं यहाँ से घर जाऊंगी तो कोई ना कोई सीन होगा, जब कोई सीन होगा तो कौन खाना देगा, कौन खाने के लिए पूछेगा? सही, हर चीज को तुम उल्टा क्यों लेती हो? क्योंकि हमेशा मेरे साथ उल्टा ही होता है। चलिए अब मुझे बहुत काम है, बाय 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 बाय। अरे आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।